आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने पीएम मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि 15 लाख देने का वादा करने वाले मोदी गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी के अंदर कोई खूबी हो ना हो, लेकिन एक खूबी है, गंजे को भी कंघी बेचने का हुनर प्रधानमंत्री को मालूम है। गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। 2014 में बोले प्रधानमंत्री बना दो, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी को कितना मिल जाएगा। सबको याद है, कोई भूला नहीं है। बिदर वालों को मिल गया? नहीं मिला, नहीं आया खाते में। जो आपने अपने घर में बचा के रखा था 1500, मोदी जी ने कहा यही काला धन है, लाइन में लग के जमा कर दो, उसको जमा करा दिया। पैसा आपसे जमा करा लिया और वो पैसा उठाकर किसको दिया? अडानी को दिया, नीरव मोदी को दिया, मेहुल चौकसी को दिया, ललित मोदी को दिया, नितिन संदेशरा को दिया। आज हिंदुस्तान के अंदर जो सरकार चल रही है, इसने नौजवानों को धोखा देने का काम किया। नौजवानों को बोले 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 9 साल से मोदी जी सरकार में है, अगर 18 करोड़ नौकरी इस देश के नौजवानों से मिली होती तो बेरोजगारी की समस्या खत्म हो गई होती। लेकिन मोदी जी ने 18 करोड़ नौकरी देना तो दूर, जो नौकरियां थी वो भी नौकरी खत्म करने का काम किया। किसानों को धोखा देने का काम किया, किसानों से बोले फसल का दाम 2 गुना करेंगे, लेकिन फसल का दाम 2 गुना करना तो दूर, 3 काला कानून नरेंद्र मोदी लेके आए। 1 साल तक हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर बैठा रहा, 750 किसान शहीद हो गए। पार्लियामेंट के अंदर जब एक काला कानून लाया जा रहा था, मैंने माइक तोड़ा, लोगों ने कहा संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमानो, तुम किसानों के हड्डी तोड़ोगे तो मैं तुम्हारा माइक तोड़ूंगा। और वो काला कानून 1 साल के बाद इनको वापस लेना पड़ा, किसानों को धोखा दिया। माताओं बहनों से वादा किया था महंगाई कम करेंगे, इस मुल्क के लोगों से वादा किया था महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई आसमान पे पहुंचा दी। सरसों का तेल 200 के पार, पेट्रोल 100 के पार, डीजल 100 के पार, आलू महंगा, गैस महंगी, कैंसर की दवा महंगी, टीवी की दवा महंगी, हार्ट की दवा महंगी, किडनी की दवा महंगी, यहां तक इन बेईमानों ने बच्चों का दूध भी महंगा कर दिया, बच्चों का दूध। महंगाई बढ़ाने का काम किया, इस देश के लोगों को धोखा देने का काम किया। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के मामले में यह तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम अब बदल देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर भारतीय झूठा पार्टी और भारतीय जुमला पार्टी रख देना चाहिए। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तियाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है, हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।